हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। आज का हमारा टॉपिक है कोण यानी एंगल। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रेखिक कोण, युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इसे। हम मैंने पिछले वीडियो में आपको कोण के बारे में बता दिया था। कोण क्या होता है? तो कोण किरण से बनता है। कोई भी दो किरणें इस तरह अगर एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब एक बिंदु पर या एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती हैं। इसको अगर नाम दे दिया जाए ए बी और सी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, कोण ए बी सी, मतलब बीच वाले बिंदु पर कोण बन रहा है, इसलिए यहां पर कोण ए बी सी लिखा गया। तो ये है कोण की आकृति। ये हमारा हमें दिख रहा है जो ये है न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण हमारा पहला पॉइंट है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो एक होता है समकोण। देखिए, न्यून कोण को समझने से पहले हमें समकोण को समझना है। इस तरह अगर अंग्रेजी के एल आकार बनता है, अगर दो किरणें इस तरह की एल आकृति बनाती हैं, तो इसको कहते हैं हम समकोण, जो कि होता है 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगर समकोण से कम है, जैसे ये आकृति है, ये इस साइड झुक गया, मतलब ये 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। इसको कहेंगे न्यून कोण। और ये है 90 डिग्री का, तो इसको हम कहेंगे समकोण। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, यानी यहां 0 से 90 के बीच चलेगा, तो 0 से 90, तो 90 से अधिक और 0 से कम, इसको कहेंगे हम न्यून कोण। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 90 से अधिक और 0 से कम। और एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे सम कोण। तो ये हो गया न्यून कोण और सम कोण, बहुत ही आसान है। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो इसी में आप समझ सकते हैं, 90 से ज्यादा और 180 से कम। 180 डिग्री का कोण कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले अगर कोई यहां से किरण निकल रही है और यहां से भी किरण निकल रही है, ये किरणें आपस में आकृति ना बनाते हुए एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। यहां पर ये किरणें यहां ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे नहीं जाएंगी, और एक दूसरे को समान रूप से विपरीत दिशा में चली जाएंगी। तो यहां पर बन जाएगा 180 डिग्री का कोण, जिसको हम कहेंगे ऋजु कोण। देखिए, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। यदि हमारी दो किरणें इस प्रकार की आकृति बना रही हैं कि उनके बीच का अंश यानी कोण 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 से कम है, यानी कि वो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। देखिए, 90 से 90 हो जाएगा हमारा यहां पर, तो 90 से तो ज्यादा आ गई और यहां पर बनता है 180, तो 180 से तो कम है और 90 से ज्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं या 90 से 180 है, ठीक है। तो यहां पर यह आ जाएगा 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी 180 ज्यादा है और 90 कम है, इसके बीच का आएगा, तो उसको कहेंगे हम अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं पूरक और संपूरक। अब देखिए, पूरक और संपूरक में एक चीज याद रखनी है कि पूरक और संपूरक यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इसमें दो चीजें याद रखनी है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि दो कोण, यहां पर एक कोण युग्म की बात चल रही है। युग्म यानी जोड़ा, यानी कि कोई भी दो कोणों का जोड़ा है, उन दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, एक तो 50 डिग्री हो गया, 50 के साथ आप क्या जोड़ेंगे? तो 50 और दूसरा हो सकता है 40। तो देखिए, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि दो कोण इस प्रकार हैं कि एक 50 डिग्री का है, दूसरा 40 डिग्री का है, तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि एक कोण 50 है तो इसका पूरक कोण का मान कितना है, तो आपको 90 में से 50 को माइनस करके आंसर ले आना है 40। इसी प्रकार दूसरा भी आप लिख सकते हैं,
अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसे पूरक कोण जो समान हो, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। 45 45 होता है 90, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलाकर 90 डिग्री होते हैं। तो इन शॉर्ट पूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे दो कोण या ऐसा कोण युग्म जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और संपूरक में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर पूरक कोण 90 डिग्री का होगा और संपूरक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संपूरक हो जाएगा 180। परिभाषा सेम है, ऐसे दो कोण या ऐसा कोण युग्म जिनका योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कहेंगे और जिनका योग 90 होता है उन्हें हम पूरक कहेंगे। ये इनकी समान अगर कोणों की बात करें तो ये हो जाएगा 90 और 90। ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक भी हैं और समान भी हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसके अलावा आप लिख सकते हो 100 और 80, ये भी संपूरक कोण कहलाएंगे। फिर आप 80 और 100 भी कर सकते हो, ये भी संपूरक कहलाएंगे। 110 डिग्री और 70 डिग्री भी लिख सकते हो, ये भी संपूरक कहलाएंगे। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट में पूरक और संपूरक। इसके बाद आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण इनसे भी आसान है, आप सबके घर में दीवार घड़ी होगी यानी वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से कोण बनते हैं। देखिए, इस तरह से कोई वॉल क्लॉक है, अगर यहां पर घड़ी की सुई कुछ इस तरह की आकृति बनाती है, देखिए, तो यहां हमारे बनते हैं आसन्न कोण। हम पढ़ रहे हैं आसन्न कोण, नाम से आप समझ सकते हैं आसन्न। इनकी विशेषता क्या होती है, तो इनका शीर्ष होता है, ये होता है शीर्ष। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जहां पर दो किरणें मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो यहां पर होता है शीर्ष, तो शीर्ष होता है जो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ यानी इनका शीर्ष एक ही है। और एक विशेषता है कि भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, एक होता है उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा। दो विशेषताएं हैं आसन्न कोणों की, उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा। अब आसन्न कोण बनते किस प्रकार हैं, तो देखिए, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर यानी विपरीत दिशा में बनते हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि ये उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर न होकर विपरीत दिशा में होते हैं। तो इस प्रकार बने कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर शीर्ष को ओ दे दिया और इसको बी और सी। तो यहाँ पर आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, तो ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी यहाँ पर हमारे आसन्न कोण हैं। आसन्न कोणों में ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा। इस प्रकार अगर कोण बनते हैं तो इसको हम आसन्न कोण कहते हैं। इसके आगे बात आती है रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म के लिए आपको 180 डिग्री के कोण को याद करना होगा, ये है सरल कोण। सरल कोण भी बोलते हैं, यहाँ पर एक किरण है, ये शीर्ष है इसका, एक किरण इस दिशा में गई, एक किरण इस दिशा में गई, तो यहाँ पर जो बनता है ऋजु कोण इसको कहते हैं, इसका मान होता है 180 डिग्री। अब है रेखिक कोण। रेखिक यानी ये एक रेखा में है, कोण यानी कोण बना दीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, यहां पर अगर ये कोण बनता है तो आप देखिए, यहां पर एक कोण बन रहा है और यहां पर भी एक कोण बन रहा है, और अगर दूसरा भी कोण बन जाए, ये कोण एक दो और तीन, यहाँ कितने कोण बन गए हमारे, देखो, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, इस प्रकार एक सरल रेखा पर हमारे तीन कोण बनते हैं। तो ये तीन कोण मिलाकर इनका मान कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, चाहे वो कैसे भी बने हों, चाहे ये समकोण है, चाहे ये न्यून कोण है, चाहे ये अधिक कोण है, इन सबका योग करेंगे यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको कहते हैं रेखिक कोण युग्म। युग्म यानी जोड़ा, या एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? देखिए, इस तरह यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस तरह की दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये सम्मुख कोण बनते हैं। इसको हम सम्मुख कोण भी कह सकते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, यानी कि आमने सामने बनने वाले कोण। देखिए, 1, 2, 3 और 4, इनको मैंने इस तरह नाम दे दिया, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो इस प्रकार बनने वाले कोणों को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोणों की एक विशेषता है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? तो समान। देखिए, कोण एक के सामने पड़ रहा है कोण तीन, तो कोण एक और कोण तीन आपस में कैसे होंगे? तो बराबर होंगे। कोण एक और कोण तीन बराबर होंगे, कोण दो और कोण चार बराबर होंगे। और ये आप इसको इस चीज को ढक के देखेंगे तो यहां पर बन जाएगा, आप देखिए, रेखिक कोण युग्म, यानी सरल रेखा पर बनने वाले यहां पर दो कोण बन रहे हैं, तो इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए किस प्रकार बनेगा, इसका मान आएगा 180 और इसका मान भी आएगा 180। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 180 होगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 होगा। फिर आप देखिए इसको ढक के, इस साइड होगा तो भी 180 और इस साइड होगा तो भी 180। तो इस प्रकार आप देखिए कि चारों ओर तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180 और आमने सामने का मान भी समान होगा। आमने सामने का मान क्या होगा? समान। तो इस प्रकार ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह के अगर आप सवाल हल करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान समान होता है, लेकिन सरल रेखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री। अब देखिए अंतिम में हमें पढ़ना है एकांतर कोण और संगत कोण। तो ये है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों कोण, एकांतर कोण और संगत कोण। ये बनते हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण। तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, आप देखिए, यदि कोई दो समांतर रेखाएं, आपको समझना है समांतर रेखाओं के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, उनके बीच की दूरी समान होती है, इसे कहते हैं हम समांतर रेखाएं। यदि समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, तिर्यक यानी टेढ़ी है, छेदी यानी काटने वाली, तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 कोण बनते हैं। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ देखिए, इस इधर बनेंगे 4 और इधर बनेंगे 4, टोटल कितने कोण हुए? 8। नाम दे देंगे अगर हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, आपको 6, 7, 8 की मैथ्स में भी मिल जाएंगे और इससे बड़ी क्लास में भी मिल सकते हैं, और कॉम्पिटिशन के विशेष तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा है, किसका मान क्या होगा। अब देखिए, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण, दो समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा काटती है तो हमारे 8 कोण मिलते हैं। इसमें हमारे पास आएंगे एकांतर कोण भी होगा और संगत कोण भी होगा और शीर्षाभिमुख कोण भी होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोणों का नाम, आपको पहचान भी हो जाएगी शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए यहाँ पर, देखिए कोण एक के सामने 3 है। आप इसको अगर भूल जाएंगे तो देखिए ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो कोण एक का शीर्षाभिमुख हो जाएगा कोण 3 और कोण 2 का शीर्षाभिमुख हो जाएगा कोण 4। ठीक है, इस बार आइए, कोण 5 का हो जाएगा कोण 7 और कोण 6 का हो जाएगा कोण 8, मतलब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आपको इसके मान निकालने हैं तो आपको ये चीजें अच्छे से दिमाग में सेट करनी होंगी। ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। अब आती है बारी एकांतर और संगत कोण की। अब देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोणों को समझने के लिए आपको क्रॉस याद रखना पड़ेगा। देखिए ये अंदर क्रॉस और बाहर क्रॉस, शॉर्टकट बता रही हूं, अंदर क्रॉस और बाहर क्रॉस, यानी कि एक के सामने आपको दिख रहा है, मैं यहां लिखती हूं एकांतर कोण,
आप मान लिख देंगे तो आपको मान निकालना भी समझ में आ जाएगा, और इसके आगे अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सवाल भी बताऊंगी। देखिए एकांतर कौन 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 से है, तो एक के सामने बाहर, आपको बाहर का बाहर देखना है और अंदर का अंदर देखना है, तो बाहर का एक के सामने सात पड़ रहा है तो कोण एक का हो जाएगा कोण सात। एक के बाहर सात हो रहा है और दो के सामने कितना पड़ रहा है, तो दो के सामने आठ पड़ रहा है। कि बराबर का निशान बताता है कि एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कोण एक के सामने सात है, दो के सामने आठ है, इधर अंदर देखिए तो तीन के सामने कितना पड़ रहा है पांच, और कोण चार के सामने पड़ रहा है कोण छह। आप देखिए इसको मिटा के बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तिरक छेदी रेखा काट रही है, अब देखिए तीन के सामने पड़ रहा है, सॉरी तीन के सामने पांच है, चार के सामने छह है, एक के सामने सात है और दो के सामने आठ। सामने का मतलब हमें क्रॉस का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गए एकांतर कोण जो कि आपस में समान होंगे। इसमें भी आप रेखिक कोण युग्म को देख सकते हैं, देखिए इसको मिटा दीजिए तो सात और आठ। आप अगर आपके पास कोण एक का मान दे रखा है और आपको पूछा कि कोण आठ का मान क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक से आप दो निकाल दीजिए, 180 में से एक को माइनस करके, और दो के सामने आठ है तो आपस में ये बराबर होते हैं, ऐसे भी इसका मान निकल जाता है। आगे आते हैं संगत कोण, यहां पर लिख देती हूँ संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर फिर से आप चित्र बना के बताती हूँ मैं आपको। ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब देखिए यहां हमारे चार कोण बने थे, अब संगत कोण कौन कौन से हैं देखिए। संगत कोण हो जाएंगे इसका ये और इसका ये। आप देखिए बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, ऐसे याद रखना। संगत कोणों में संगत कोण हो जाएगा कोण दो का कोण छह और कोण तीन का कोण सात। कोण दो का कोण छह और कोण तीन का कोण सात, इस तरह देखेंगे तो एक का पांच और चार का आठ, एक का कोण पांच और कोण चार का कोण आठ। आपको इस तरह की डिजाइन याद रखनी है, कैसे, दो का छह तीन का सात, एक का पांच और चार का आठ, इस तरह ये संगत कोण बनते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, और एकांतर कोण भी आपस में समान होते हैं। तो इसी प्रकार हम इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। अब एक बात और याद रखनी है इसमें कि अंदर जो कोण बन रहे इन चार, ये चारों, इन कोणों का मान क्या होगा, तो इन अंतराभिमुख, ये अंदर जो कोण बन रहे हैं इन दोनों का, यानी तिरक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री किनका मान होगा, तिरक छेदी रेखा, ये तिरक छेदी रेखा बन रही है, इसके एक और बने वो भी अंतः कोण, यानी कि कोण चार प्लस कोण पांच करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री, और यहां पर कोण तीन प्लस कोण छह करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 180 डिग्री। आपको एक लाइन याद रखनी है, तिरक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए सवाल हल कैसे होंगे, आपको ये बात याद रह गई कि चार और पांच मिलाकर 180 है, अब चार किसके बराबर होगा तो दो के बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा तीन के बराबर होगा, और दो किसके बराबर होगा तो दो छह के भी बराबर है, और तीन किसके बराबर है, तीन सात के भी बराबर है। तो आपको ये शीर्षाभिमुख, एकांतर और संगत, इन तीनों को माइंड में सेट कर लेना है, बहुत ही आसान है क्योंकि ये समान है। देखिए आपको सिर्फ ये चित्र याद रखना है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिरक छेदी रेखा काटती हैं तो आठ कोण बनते हैं, और कैसे बनेंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्रॉस में बन जाएंगे जिनको सम्मुख कोण कहते हैं। फिर है एकांतर कोण, तो यहाँ पर बाहर एक क्रॉस लगेगा और अंदर भी एक क्रॉस लगेगा, और संगत कोणों में हम इस तरह की डिजाइन बनाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए बहुत ही आसान था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।